हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है आत्मनिर्भर। हाँ, आत्मनिर्भर, जिसका हर एक वीडियो आपको बनाता है आत्मनिर्भर। ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन यूर सेल्फ, नेवर ऑन अदर्स। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आय प्रमाण पत्र क्या है, आय प्रमाण पत्र कैसे बनाएंगे, किसके द्वारा बनाया जाएगा और किसको बनवाना है, ये सारा विस्तृत विवरण आज की वीडियो में हम बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि इसमें मैं ये भी बताने वाला हूं कि आय प्रमाण पत्र किसको बनवाना है और आय प्रमाण पत्र के लिए क्या क्या दस्तावेज की आवश्यकता होगी। तो दस्तावेज का विस्तृत विवरण मैं आगे बताऊँगा आपको, पहले दस्तावेज का जब दिखाऊँगा तब आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आय प्रमाण पत्र आपके क्या होता है, बेसिकली पिछले वर्ष जो आपने आय कमाई है उसका आयकर निर्धारण वर्ष में आयकर देना होता है उस पर, उसके लिए या छात्रवृत्ति के लिए या शासकीय सेवा के लिए आय प्रमाण पत्र बनाया जाता है। इसके लिए जो दस्तावेज की आवश्यकता होती है इसका विवरण इस प्रकार है, इसको मैं आगे डिटेल में वो कर बता दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले ले रहे हैं। तो दोस्तों, ये है ई डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ की साइट, ई डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ की साइट, आप नेट में सर्च मारेंगे ई डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ तो आपको मिल जाएगा। इस पर आय फॉर्म, आय का फॉर्म है, आय का फॉर्म ऑनलाइन कैसे भराता है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। कुछ नहीं रहता दोस्तों, सिंपल सा फॉर्म रहता है, आवेदक का नाम डालना रहता है, हितग्राही का नाम डालना रहता है, आवेदक का पता डालना रहता है, मोबाइल नंबर डालना होता है, ईमेल डालना होता है और बेसिक डिटेल जो डालना होता है। चलो फॉर्म स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देखो, आवेदक का नाम और हितग्राही का नाम अलग अलग तब की स्थिति में होगा जब दोनों अलग अलग हो, परंतु दोनों एक ही होंगे तो आवेदक और हितग्राही जैसे जिसके लिए आय बनाना है वो स्वयं के लिए बनवा रहा है तो यहाँ पे दोनों का नाम होगा। जैसे मैंने अपना नाम स्वयं के लिए दोनों में डाला हुआ है, आप देख सकते हैं दोनों में परवेजली डाला हुआ है। उसके बाद बेसिक डिटेल मैं भर दूंगा, ये आपका काम नहीं है, एक्चुअली में ये लोक सेवा केंद्र ऑपरेटर का काम है। मैं आपको एक डेमो के रूप में इसको दिखा रहा हूँ कि क्या क्या दस्तावेज की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें पिता का नाम, आपका नाम, आपके दादाजी का नाम आदि चीज़ों की आवश्यकता इसमें पड़ती है। और बेसिकली इसमें सारे फॉर्म को ऑपरेटर जो है भरता है, ऑपरेटर जो है उसको डिटेल को डालने की फिल करने के बाद कि आपका नाम डालेगा, आपका पिता का नाम डालने के बाद आपकी एज, आपकी जाति, आपकी इनकम सारे फॉर्म को भरता है। परंतु इसमें ध्यान देने योग्य बात क्या रहती है दोस्तों, ध्यान देने योग्य बात ये रहती है इसमें कि इसमें मुख्य रूप से क्या है, आय प्रमाण पत्र जो है स्वयं के लिए भी बनता है, पिता के नाम से भी आश्रित होने पर पिता के नाम से बनता है, पत्नी होने पर पति की आय से पत्नी का आय प्रमाण पत्र बनता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें जानने वाली है, मैं आपको उसको बता दूंगा। ये एक बेसिक फॉर्म मैं फिल करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। मैं इसको इतना फिल करके इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे को आगे वाले पेज में जाना है और आगे वाले पेज में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि क्या क्या दस्तावेज की आवश्यकता इसमें पड़ती है। तो ये तो आप देख ही ले रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि जाति क्या है, नाम क्या है, स्टेट क्या है, जिला क्या है, सारा चीज़ भर देंगे, पिन कोड क्या है, पिता का नाम, दादाजी का नाम और आपकी आय। अब दोस्तों, अब आता है यहाँ पे क्या कि क्या क्या दस्तावेज आपको लगाना है, क्या क्या दस्तावेज आपको इसमें अटैच करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आता है शपथ पत्र। शपथ पत्र और कुछ नहीं है, फॉर्म में लिखा हुआ रहता है उसी को भरना है, अलग से कोई एफिडेविट नहीं बनाना है। उसके बाद आता है आय प्रमाण पत्र, आप जहाँ से भी अगर मजदूरी या किसी से भी आए हैं तो आप राशन कार्ड वगैरह यहाँ पर डालेंगे, अन्य लिखा हुआ है जो। आय प्रमाण पत्र, आवेदन प्रपत्र जो पटवारी का प्रतिवेदन होगा उसको डाल देंगे, नियोक्ता का फॉर्म जाकर यदि आप कहीं कार्यरत हैं तो वहाँ से आपको फॉर्म 16 मिल जाएगा, पटवारी सरपंच जो पटवारी वाला एक पेज होता है उसमें पटवारी फॉर्म पटवारी द्वारा भर के सिग्नेचर करवाया जाता है उसको डालना है फॉर्म 16। यदि आप सरकारी नौकरी में तो आपको फॉर्म 16 मिल जाएगा। भूमि से आए, यदि आपके पास भूमि से आए तो आपको B1 या ऋण पुस्तिका इसमें देना होगा। ये तो एक बेसिक जानकारी हो गई दोस्तों। अब आय प्रमाण पत्र यदि आपने बनवाने दिया है तो उसकी स्थिति कैसे चेक करेंगे, आप बार बार लोक सेवा केंद्र जाके या फ़ोन नंबर से, आपको फ़ोन नंबर में मैसेज भी मिलता है, अन्यथा की स्थिति में आप यहाँ पे आवेदन की स्थिति पोर्टल में आवेदन की स्थिति में जाके, जैसे मैंने अभी जाके दिखाया, जाके आप यहाँ पर अपना आवेदन क्रमांक डाल के, ये ओपन वेबसाइट है आप भी चेक कर सकते हैं, अपना दस्तावेज सर्च कर सकते हैं। दस्तावेज सर्च करने पे आप आपको एक आवेदन नंबर मिले रहेगा और आवेदन नंबर जो है हर किसी को एक यूनिक आवेदन नंबर मिले रहता है, तो आप अपना आवेदन नंबर डालेंगे तो आपका ही आवेदन खुलेगा। ध्यान रखें, डालते समय गलत आवेदन नंबर ना डालें। यहाँ आवेदन भरने में सर दोस्तों तीन स्थितियाँ बनती हैं। एक, जब आवेदन स्वीकार किया जाता है, मतलब फॉर्म जब डाला जाता है तो स्वीकार लिखा रहता है,
या शुरुआत लिखे रहता है। बाद में जो है दोस्तों जब आवेदन प्रमाण पत्र बन जाता है तो अनुमोदित लिखा जाता है, जैसे यहाँ पे अनुमोदित लिखा हुआ है। अनुमोदित होने पे आप ट्रेन निकाल सकते हैं या निकलवा सकते हैं। और एक स्थिति होती है दोस्तों अग्रेसिव, जब शुरुआत आवेदन शुरुआत हो जाता है, आवेदन भर आपने आवेदन फिल करवा लिया, लोक सेवा केंद्र ऑपरेटर से डलवा दिया, तो आवेदन डलवाने के बाद वो पहली स्थिति में रहता है जिसको हम शुरुआत की स्थिति बोलते हैं। जब उस पर जिस जो उस पर वहाँ के बाबू कर्मचारी द्वारा कोई कार्रवाई की जाती है तो अगले स्टेप में जाता है, उस स्टेप को हम फॉरवर्ड या अग्रेषित बोलते हैं। फॉरवर्ड को हिंदी में अग्रेषित भी बोला जाता है। तो ये जैसे अग्रेषित आप देख सकते हैं अग्रेषित लिखा हुआ। अलग अलग तीन स्थितियाँ होती है इसमें। एक चीज़ ध्यान देने की बात ये भी है कि इसमें कार्रवाई की तारीख है ना, और नियत तिथि आपको लोक सेवा गारंटी अधिनियम नियत तिथि भी बताता है कि कितने तारीख तक के बनता है, वो सारा चीज़ उल्लेखित रहता है। बनने के बाद दोस्तों कैसे दिखता है उसको भी देख लेते हैं। बनने के बाद आय प्रमाण पत्र इस प्रकार से दिखता है। इसमें दो जगह आवेदन क्रमांक दिखता है, एक आवेदन संदर्भ क्रमांक यहाँ लिखा हुआ है और एक आवेदन संदर्भ क्रमांक जो है टाइटल में ऊपर में लिखा रहता है। दोनों आवेदन संदर्भ क्रमांक जो होता है वो एक ही रहता है और याद रखें यूनिक रहता है, इसलिए इसमें डुप्लीकेसी नहीं होती, इसलिए ऑनलाइन जो है सेफ और अच्छा समझा जाता है। दूसरा दोस्तों ये दोनों आपको दिखा दे रहा हूँ, दोनों आवेदन संदर्भ क्रमांक कहाँ कहाँ पर रहता है। इसके बाद आता है दोस्तों इसमें जो सक्षम अधिकारी होता है जिसने बनाया है, जैसे यहाँ पे नायब तहसीलदार के द्वारा बनाया गया है तो उसका डिजिटल सिग्नेचर होता है, ज्योति मसियारे नायब तहसीलदार मैडम के द्वारा इसे प्रमाणित करके बनवाया गया है, डिजिटल सिग्नेचर हुआ है इसमें, आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें अनुमोदन दिनांक भी लिखे रहता है। क्या अनुमोदन दिनांक इसको बोलते हैं, जिस तारीख को प्रमाण पत्र जारी हुआ या बना है। तो इसमें यहाँ जैसे 20/10/2020 आप देख सकते हैं। एक उसके बाद आता है दोस्तों मुद्रण दिनांक, ये दोनों अलग अलग हो सकता है। आवेदन दिनांक अनुमोदन दिनांक जो आपको बनाया हुआ है और मुद्रण दिनांक जिस दिन आपने प्रिंट करवाया है। लोक सेवा केंद्र चॉइस एजेंट का हस्ताक्षर जो है उस पर आप वहाँ जिस ऑपरेटर से बनवाएंगे उसका हस्ताक्षर करवाएंगे, प्राप्तकर्ता में अपने हस्ताक्षर करेंगे। और यहाँ पे यहाँ ध्यान रखें क्वेश्चन मार्क की जगह ग्रीन राइट टिक लगा होगा, ये सॉफ्टवेयर से निकालने पे ग्रीन राइट टिक लगता है और ये वैलिड होता है। उसके बाद दोस्तों इसमें ये भी देख सकते हैं कि आवेदन दिनांक लिखे रहता है कि आपने आवेदन किस तारीख को करवाया था और आवेदन कहाँ से करवाया था, जैसे यहाँ पे जिला लोक सेवा केंद्र लिखा हुआ, तो वो सारी चीज़ें भी इसमें उल्लेखित रहती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि आय प्रमाण पत्र बना किसके लिए और कैसे, इसको कैसे समझेंगे। तो यहाँ देखेंगे आप दोस्तों ये संगीता नेताम का आय प्रमाण पत्र बना है। संगीता नेताम जो है वो माता रही होगी, उसके पति जो है स्वर्गीय दिनेश, उनके पति खत्म हो जाने की वजह से 40,000 रुपये आय का बना है और पुत्री के लिए बना है, पुत्री देविका के लिए। मतलब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पुत्री देविका नेताम जो है वो अपनी माता के ऊपर आश्रित रही होगी, उसकी माँ की आय जो है वो 40 वर्ष है और इसलिए वो बना है। इसी तरीके से स्वयं का भी हो सकता, संगीता नेताम जब स्वयं बनाती तो यहाँ पुत्री की जगह स्वयं लिखा हुआ होता, जैसे जो इनकम कमा रहा है वो स्वयं के लिए भी बना सकता है। इसी का दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों, इसमें लाला राम करके एक बंदा बनाया रहा है, लाला राम की आय दिया हुआ है, उसके पिताजी का नाम लिखा हुआ है, मतलब बच्चे का दादा का हो गया, और पुत्र गोपी किशन सेन के लिए ये आय प्रमाण पत्र जारी हुआ है। ये भी देखेंगे आप 45,000 रुपये का आय प्रमाण पत्र बना है, लाला राम के द्वारा बना है, लाला राम का मतलब लाला राम के लिए बना, लाला राम के आय के ऊपर बना है, उनके पिता का नाम लिखा हुआ है और उनके बच्चे का नाम जिसके लिए जारी हुआ है। अब दोस्तों किसको लगेगा, तो देखो यहाँ पे समझने वाली चीज़ है कि कई लोगों को डाउट था कि व्याख्याता में लगेगा, तो आप इसमें पढ़ सकते हैं व्याख्याता में कहीं पर भी आय प्रमाण पत्र का उल्लेख नहीं है, अतः व्याख्याता जो वर्तमान में भर्ती हो रही है उसमें आय प्रमाण पत्र नहीं देना है। किसमें देना है, तो देखो दोस्तों सहायक शिक्षक का अभिलेख सत्यापन प्रपत्र इसमें लिखा हुआ है, इसमें आप पॉइंट नंबर 12 में देख सकते हैं ओबीसी के नॉन क्रिमिलियर और क्रिमिलियर डिसाइड करने के लिए जो भी है वो इस पर आय प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है बोला गया है। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों को प्रश्न आ रहा था कि क्या क्या स्थितियां बनती हैं, तो मैं बता दे रहा हूँ। एक आश्रित, जब माँ बाप आय कमाते हैं, बच्चा आय कमा नहीं कमाता, जो स्टूडेंट है या वो आय नहीं कमाता है, तो वो उनके माँ बाप के नाम से उनकी आय बनेगी, माँ या बाप जो भी आय कमा रहा होगा, और हितग्राही जो है वो बच्चा होगा, मतलब ये भी एप्लीकेबल होगा। दूसरा, स्वयं, यदि आप कमाने लग गए हैं तो आप अपने स्वयं के नाम से आवेदन बनाएंगे और आप ही आवेदनकर्ता होंगे और आप ही हितग्राही भी होंगे।
विवाहित महिला, यदि महिला कोई विवाहित हो चुकी है और वो अपने पति पर आश्रित है तो उसके पति के नाम से बनेगा और हितग्राही जो है उसकी पत्नी होगी। ये तीनों आय मान्य है। अब दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य, आय क्यों बनाया जा रहा है, तो सारे किस्म के आय प्रमाण पत्र मान्य होंगे, मैंने पहले ही बता दिया। परीक्षा प्रमाण पत्र घोषित होने के उपरांत भी आय प्रमाण पत्र बनाया गया होगा तो मान्य होगा। ये ओबीसी क्रिमिलियर और नॉन क्रिमिलियर डिसाइड करने के लिए होता है, जिसकी सीमा जो है 8 लाख की रखी गई है, इसलिए आय प्रमाण पत्र मांगा गया। दोस्तों वीडियो को अंत तक के लिए देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें।